नेक्स्ट हम चालू करते हैं चैप्टर 5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखिए नाम से क्या लग रहा है आपको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या हो सकता है ये, चलो थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं नाम से ही क्लियर करने की। ऐसी चीज़ें जिसमें इंटरनेट इस्तेमाल की जाती है, तो ऐसी चीज़ें में तो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर में हो रहा है, लैपटॉप में हो रहा है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें इंटरनेट यूज़ हो रहा है, तो इनको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलेंगे क्या? तो नहीं, इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ऐसी चीज़ें जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती या ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो डाटा जो ट्रांसफ़र होता है वो ऑटोमेटिक होता है इंटरनेट की मदद से। अब ऐसी कौन सी डिवाइस आ गई जिसमें कि बिना हमारी मदद के अपने आप डाटा ट्रांसफ़र होएगा? तो देखिए, अब इसका एग्जाम्पल्स सोचने की कोशिश करिए। आपके इसका एग्जाम्पल्स है स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड्स, उसी कैटेगरी में आ जाएंगे स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड्स। तो ये सब क्या करते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है आपके मोबाइल में। तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है और इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब हमें बार बार वहाँ से जाके उसको सेंड नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ से कनेक्ट होके वो सारा डाटा ट्रांसफ़र कर लेता है। तो ये क्या कहलाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और कौन सी ऐसी डिवाइस हो सकती है, अब आप सोच के देखिए, आपके दिमाग में आप थोड़े बहुत आइडियाज़ आने चालू हो जाएंगे कि जैसे अब ऐसी और कौन सी चीज़ है। एसी, शायद आपके ऑफिस में जो एसी लगा वो रिमोट नहीं बोल सकते, उसको मोबाइल कंट्रोल्ड हो सकती है। मोबाइल कंट्रोल्ड कैसे, अगर आपकी एसी वो वाली है जिसमें कि ऑटोमेटिकली टाइमर सेट कर दो और ऑफिस पहुंचने से पहले घर से निकलते ही अपना टाइमर सेट कर दो, ऑफिस पहुंचते ही एसी ऑन मिलेगी, या वाइस वर्सा, ऑफिस से घर निकलो और घर का एसी ऑन मिलेगा। तो इस तरीके के फीचर्स आ गए हैं आजकल, वो इंटरनेट की मदद से सारा कुछ फीचर्स मोबाइल ऐप से ऑन ऑफ हो जाता है, सारा कुछ फीचर्स डायरेक्टली मोबाइल ऐप से वर्क कर रहा है। और ऐसी कौन सी चीज़ें, कार है, कार में भी आजकल वैसे फीचर्स आ गए हैं जिसके थ्रू मोबाइल से कंट्रोल हो जा रही है कार पूरी। और अगर हम देखें कि और ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, तो सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमरा, तो जो ट्रैफिक सिग्नल का जो सीसीटीवी कैमरा रहता है, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है किसकी क्या स्पीड है, कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहा है या कोई सिग्नल तोड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ उसमें रिकॉर्ड होती है और ऑटोमेटिकली उसको चलान चले जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड भी रहती है। तो इंटरकनेक्टेड कैसे, कि एक डिवाइस दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेजेगी और फिर दूसरा तीसरे को इन्फॉर्मेशन भेजेगा, इस तरीके से भी इंटर रिलेटेड भी रहते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं, तो बेसिकली इसमें सेंसर लगा हुआ रहता है। अब सेंसर रहता है और साथ में एक प्रोसेसर रहता है, तो एम्बेडेड प्रोसेसर्स बोलते हैं उसको, और साथ में कम्युनिकेशन हार्डवेयर लगा रहता है। तो ये तीन चीज़ से मिलकर ये डिवाइस बनती है, इसको वेब इनेबल्ड स्मार्ट डिवाइस बोला जाता है। तो ये जितनी भी डिवाइसेस होती है इनको एक अलग से यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है, UIDs बोलते हैं जिसको हम, तो जिनका एक अलग से हम पहचान रहती है, उनकी खुद की एक आइडेंटिटी रहती है और उस डिवाइस से सारा कम्युनिकेशन हो पाता है। तो आप देखिए इसमें काम कैसे होता है, सबसे पहले तो जो सेंसर रहता है उसके थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो जैसे कि अगर CCTV में देखें तो कैमरे का जो सेंसर लगा है कैमरे के साथ में, तो वो कैमरे से रिकॉर्डेड सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा। तो वो सेंसर पहले क्या करेगा, डाटा को कलेक्ट करेगा और फिर डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको वो भेज देगा गेटवे के थ्रू या फिर अदर एज डिवाइसेस के थ्रू। तो गेटवे अलग से एक रहता है जिसके थ्रू, जैसे गेटवे अगर आप ई लर्निंग याद करें तो गेटवे एक डिवाइस होता था, जैसे आपके यहाँ राउटर है तो राउटर जैसा एक डिवाइस होता है जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से उसको गेटवे की तरफ से भेजेगा, बट कहाँ भेजेगा, हो सकता है कि वो क्लाउड में भेजे, क्लाउड में एनालिसिस वगैरह हो उस डाटा पे, एक अलग से हमारा डाटा पे सर्वर बना होगा और वहाँ पे क्लाउड में ये सारा चीज़ एनालिसिस होगी, या तो फिर लोकली वहीं पे ही एक डिवाइस लगी होगी जो उसको तुरंत एनालाइज कर देगा। तो दोनों तरीके से पॉसिबल है ये। तो ये जो सारा काम ना खुद ही कर लेते हैं, इसमें मतलब क्या होता है कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती ह्यूमन इंटरेक्शन की, पर फिर भी एक ऑप्शन रहता है कि हम भी इंटरेक्ट कर सकते हैं करना चाहें तो। कैसे कर सकते हैं, जब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन सब करना है सिस्टम को, तब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कुछ हमें अलग से इंस्ट्रक्शन देना है या फिर डाटा को एक्सेस करना है तो हम उससे कनेक्ट करके हम डायरेक्टली पूरा डाटा एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ इस कोर्स को 1 वीक पे कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट prokhata.com, जहां पर आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली 2.0 या फिर 3.0 परचेस कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।